Hi guys, welcome to next lecture in super quick revision. We are starting away with activity based costing. As I've told in class also, ye ek topic hai jo ICA loves. Okay, ye wala topic aata hi aata hai in n number of different ways, but this thing is something that will be coming in exams. Okay, activity based costing. Let us start. So now activity based costing jab hum logon ne start kiya tha was conflict of two things. Hum log aaj tak absorption costing follow karte the. Now we all have started to follow activity based costing. Absorption costing kaise kaam karta tha? Now make a list of all the overheads, charge specific expenses to the specific departments. Jo bhi common expenses bach jayenge unko apportion kar dena in some ratio. उसके बाद रीअपोर्शनमेंट भी कर लेना जहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पर आ जाएगा. आफ्टर रीअपोर्शनमेंट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स विल बिकम जीरो. टोटल द ओवरहेड्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज BOH. BLS से डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है. एब्जॉर्प्शन रेट प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर देना, ठीक है. दिस इज इफ यू फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. लेकिन आजकल की डेट के ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कोई फॉलो नहीं करता. डिसएडवांटेजेस, ओनली एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नॉट एप्लीकेबल टू सर्विस सेक्टर. तुम्हारे पास BLA के लिए सिर्फ सिक्स ऑप्शन ही होते हैं, आउटपुट, मशीन आर, लेबर आर, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट. तो बाकी कंपनीज का क्या, बाकी फैक्टर्स का क्या? एवरी कॉस्ट इन दिस वर्ल्ड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दीज. और अगर याद होगा उससे कैलकुलेशन भी गलत आता है. कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट गेट्स चार्ज टू सम अदर प्रोडक्ट. कॉस्ट गलत आता है तो प्राइसिंग भी गलत होगा. ओके, प्राइसिंग गलत होगा यू माइट स्टार्ट टू इनकर अ लॉस, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट का प्राइस ही गलत है. ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेट्स शिफ्ट टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का रूल बहुत सिंपल है. कंपनीज के अंदर जो भी मेजर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करो. फाइंड आउट द वेरियस एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, छोटी छोटी एक्टिविटीज कैन बी क्लब्ड इनटू लार्जर एक्टिविटी. हर एक छोटी एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली ट्राई टू हैव बिग एक्टिविटीज, ठीक है. वन थिंग, वो आपको वैल्यू चेन के थ्रू भी अच्छे तरीके से पता चल सकता है. वैल्यू चेन वैसे भी मेरे ख्याल से अपना नेक्स्ट लेक्चर ही होगा, बट वैल्यू चेन विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग वन थिंग वेरी फास्ट, एंड दैट इज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं. मोर अबाउट दैट इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर. हर एक्टिविटी का कॉस्ट निकालो, हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर निकालो. कॉस्ट ड्राइवर मतलब वो वाला फैक्टर जिसकी वजह से कॉस्ट चेंज होता है. Divide various activities among the various cost objects in the ratio of cost driver. Cost objects बोले तो तुम्हारे products. उसके बाद total the cost of the various cost objects मतलब products, this is BOH. एंड यहाँ पे directly divide by number of units to get fixed overheads per unit, ठीक है. बस activity based costing बहुत simple है, हमेशा तुम्हारा काम भी जल्दी होगा. बस यहाँ पे एक चीज है, जो भी एक्टिविटी है उसका कॉस्ट ड्राइवर तुम लोग को मालूम होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाना स्टार्ट किया है. दिस लिस्ट कवर्स अप ऑल योर एग्जांपल्स, ओके, जो भी हम लोगों ने क्लास के अंदर किए, प्लस जो तुम्हारे थियरी के अंदर भी है, एवरीथिंग. ओके, कि ये कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है. बस एक सिली एरर कभी मत करना, दैट आई हैव ऑब्जर्व मेनी पीपल डू. अगर मशीन का कॉस्ट है, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ मशीन आवर्स. बट आप लोगों को मोस्टली मशीन आवर्स पर यूनिट दिया होगा, प्लीज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ टोटल मशीन आवर्स. बेटा टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज गो डाउन इन द रेशियो ऑफ टोटल मशीन आवर्स. सेम वे सपोज यहाँ पे कोई एक कॉस्ट है जो मटेरियल के पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के पार्ट के ऊपर, तो डिवाइड दैट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ टोटल मटीरियल पार्ट्स. टोटल मटेरियल पार्ट्स मतलब देख लो कितने यूनिट्स बना रहे हो और हर यूनिट के लिए कितना कितना पार्ट चाहिए. ओके, सो बी केयरफुल ऑफ दिस बेसिक थिंग. कोई एक कॉस्ट है विच इज डिपेंडेंट अपॉन लेबर आवर्स, सो प्लीज फाइंड आउट टोटल लेबर आवर्स. ओके, वो इंपॉर्टेंट है. तो सुनो, रिसीविंग कॉस्ट, इंस्पेक्टिंग कॉस्ट, रिसोर्स प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डिवाइड दैट इन द रेशो ऑफ कब इंस्पेक्शन करोगे, जब रॉ मटेरियल आएगा. रॉ मटेरियल कितनी बार आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कितनी बार ऑर्डर दिया था. कितनी बार ऑर्डर दिया था मतलब नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, जिसको आप लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर रॉ मटेरियल्स भी बोल सकते हो. उसके बाद प्रोडक्शन शेड्यूलिंग या मशीन सेटअप वाला कॉस्ट विल बी गेटिंग डिवाइड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सेटअप्स. फिर उसके बाद मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी और मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट, प्लीज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ टोटल मशीन आवर्स. टोटल मशीन आवर्स मतलब मशीन आवर्स पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, प्लीज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स. ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट,
divide that in the ratio of number of times material was handled. Receiving or stores receiving cost, number of receipts, almost ye wala cheez aur ye wala cheez wahi hai, kyunki jitni baar aap orders place karoge utni baar hi raw materials aayega. Packing cost, number of deliveries, kitni baar packing karoge jitni baar delivery karne ka hai. Engineering cost, I've told you the meaning of that particular thing. Okay, divide that in the ratio of engineer hours ya number of production orders. Now ye jo maine teen cheeze idhar rakhi na, do cheeze rakhi, this is for EMA wala chapter, environmental management accounting, jahan pe hum log kya karte hain, let's even try to break down the cost jahan pe environmental cost bhi aa jaye. Hum logon ne koi product banaya, usse scrap generate hua, hum logon ne wo scrap phenk dala, हम लोगों ने उसको मशीन की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया. अभी ईएमए क्या बोलता है, नहीं बॉस आप उसको अलग से लेकर आओ और आप उसको अलग से डिवाइड करो. तो सॉलिड वेस्ट रिमूवल, डिवाइड दैट इन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय ईच प्रोडक्ट. हम लोगों ने बाद में ट्रीज प्लांट किए, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन जनरेटेड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच प्रोडक्ट. ओके, ये दोनों बेसिकली तो ईएमए के लिए है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो आरएनडीआर स्पेंड. इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये इंस्पेक्शन कॉस्ट होना चाहिए, इंस्पेक्शन कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ टोटल इंस्पेक्शन आवर्स. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, दैट डिपेंड्स अपॉन एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ के ऊपर है. ओके, टाइम स्पेंट ऑन ईच प्रोडक्ट ऑन टीवी और रेडियो और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड और सेल्स. रीवर्क कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स रीवर्क, कोई यूनिट्स खराब बने उसके ऊपर फिर से काम कर रहे हैं. असेंबली कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ असेंबली आवर्स और लेबर आवर्स, प्लीज याद रखना टोटल लेबर आवर्स. क्वालिटी टेस्टिंग, आवर्स ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग टाइम. कंप्यूटर प्रोसेसिंग, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस, ये बैंकिंग के क्वेश्चंस के लिए आपको काम में आ सकते हैं. एटीएम, अगेन बैंकिंग के लिए, नंबर ऑफ एटीएम सर्विसेज. बैंक इशूइंग स्टेटमेंट्स, जैसे आप लोग कस्टमर्स हो, बैंक के पास जाते हो, हमको हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट दो, वो भी तो उन लोग के लिए कॉस्ट है. तो डिवाइड दैट इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. Activities depending upon material cost, divide that in the ratio of total number of material parts. Again, total material parts. जो कैसे मिलेगा, number of units into number of material units per product. Example, product A है, B है, C है. 10,000 यूनिट इसका बनाओगे, 20,000 यूनिट इसका बनाओगे, 30,000 यूनिट इसका बनाओगे. हर यूनिट ऑफ ए के लिए 4 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, 5 लगता है, 6 लगता है. तो आपका टोटल मटेरियल पार्ट्स ए प्रोडक्ट के लिए कितना हो जाएगा, 40,000, बी के लिए 1 लाख और सी के लिए 1.8 लाख. तो उस रेशियो के अंदर डिवाइड होना चाहिए, इस रेशियो के अंदर मतलब. ठीक है, सेल्स विजिट्स, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स. डिलीवरीज विच आर रेगुलर, ये वो कोरियर कंपनीज के लिए काम में वो आ सकता है, नंबर ऑफ रेगुलर डिलीवरीज. फिर उसके बाद डिलीवरीज विच आर रश, तो नंबर ऑफ रश डिलीवरीज. ओके, नाउ याद रखना दीज आर ऑल कॉस्ट ड्राइवर्स. याद करो हम लोग अपना स्टेटमेंट कैसे बनाते थे. आप लोग जो भी एक्टिविटीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ का आप लोग कॉस्ट निकाल लो. कॉस्ट ड्राइवर के लिए ये वाला टेबल रेफर कर लेना, वॉट एवर आई हैव टोल्ड ओवर हियर. उसके बाद एक कॉलम बना लेते थे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर. उसके बाद यहाँ पे आ जाता था कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब बेटा तेरे प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट एबीसी. तो जो भी एक्टिविटीज़ होंगी सब लिख लेना, उनका कॉस्ट निकाल लेना. मोस्टली तो वो डायरेक्टली दे रहते हैं. कॉस्ट ड्राइवर्स के लिए अभी अभी मैंने डिस्कशन किया कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर. अगर सपोज मशीन आर्स इज योर कॉस्ट ड्राइवर, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट पर मशीन आर. इफ सपोज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज योर कॉस्ट ड्राइवर, इट विल बिकम कॉस्ट पर ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक बार ये कर लोगे, दिस विल गिव यू BOH divided by number of units. Bus, this will give you overheads per unit. Activity based costing tumko bahut chapters ke andar kaam mein aa sakta hai. Target costing ke andar bhi aata hai kaam mein. Apart from that, in this particular case, aapko customer से कितना इनकम कमा रहे हैं हर कस्टमर से, ऐसा हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर भी कर रखा है. तो वो वाला चीज़ भी तुम लोग को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वहाँ पे आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, सुनो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर एक तो ये है. ठीक है, देर आर टू अदर पार्ट्स दैट आई हैव टू बी डूइंग नाउ. ओके, एंड वॉट आर दीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है. नाउ याद रखना, टारगेट कॉस्टिंग इज मेनली यूज जहाँ पे योर प्रोडक्शन इज स्टैंडर्डाइज्ड, जहाँ पे आप लोग सेम चीज़ रूटीनली करते रहते हो. ऐसे केसेस के अंदर
यू हैव टू ट्राई टू थिंक यार क्या करें ताकि अपना कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है. और ये वाला चीज़ आप उन जगहों पर नहीं कर सकते जहाँ पे एवरी डे यू हैव टू मैन्युफैक्चर समथिंग न्यू. इट्स मेनली यूज वेर एवर इट इज रूटीन स्टफ. ओके, टारगेट कॉस्टिंग है ना, हम लोगों ने सोच के रखा हुआ है कि भाई आई वॉन्ट टू सेल द प्रोडक्ट एट दिस मच प्राइस. मैंने सोच के रखा हुआ है इन दिस केस कि मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने सोच के रखा हुआ है कि अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो यही होना चाहिए, दिस शुड बी माई कॉस्ट. फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो, या फिर स्क्रैच से आप ये वाला कॉस्ट अपने दिमाग में रखते हो और प्रोडक्ट के ऊपर R&D स्टार्ट करते हो कीपिंग दिस कॉस्ट इन माइंड. यार जो भी हो, हम लोगों को इस कॉस्ट के अंदर ही प्रोडक्ट तैयार करने का है. कभी कभी कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, कोई एक्सपेंसिव पार्ट यूज़ कर रहे थे, फिर लगा नहीं इससे टारगेट कॉस्ट मीट नहीं होगा तो आप सस्ता पार्ट यूज़ करो, बट दिस इज़ योर टारगेट कॉस्ट, ठीक है. या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे पास कोई एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिशन आ गया है, हमको उसका सेलिंग प्राइस कम करना है, तो हम लोग सोच रहे हैं सेलिंग प्राइस कम करेगा तो लॉस हो जाएगा, चलो पहले कॉस्ट भी कम करते हैं. तो करंट प्रोडक्ट को लेके उसका कॉस्ट कम करना स्टार्ट कर लेते हैं बाय से यूजिंग चीपर लेबर, बाय यूजिंग इन दिस केस चीपर मटेरियल्स, एसेट्रा एसेट्रा. ओके, वो आप लोग इवैल्यूएट कर लेना, इज इट गुड फॉर द कंपनी और बैड फॉर द कंपनी. हम लोग उसका बात नहीं कर रहे, हम लोग टारगेट कॉस्टिंग ना सिर्फ क्या बोल देते हैं कि भाई ये तेरा टारगेट कॉस्ट है. सपोज तुम्हारा टारगेट कॉस्ट 100 का सेलिंग प्राइस मैंने सोचा था, 10 रुपीज का प्रॉफिट मैंने सोचा था, तो टारगेट कॉस्ट 90 होना चाहिए था, ठीक है. मैंने अपना कोई एक प्रोडक्ट लिया जिसका मेरे को कॉस्ट 90 तक लाने का था, मैं कम करते 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 2 साल के ना उसको 92 तक लेके आ गया. हैव आई मेट माई टारगेट? नो, वी हैव नॉट मेट आर टारगेट. ओके, अगर सपोज 82 तक ले आता, वी हैव मेट. ओके, बट टारगेट कॉस्टिंग इज यूजली फॉलोड वेयर एवर यू ट्राई टू डू अ रेपिटेटिव प्रोसेस एंड वेयर बाय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक यू नो यू ट्राई टू थिंक यार कॉस्ट कैसे कम करें. एग्जाम कॉस्टिंग माइट ऑल्सो हेल्प यू इन सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. ये एक चीज. दूसरा, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. हम लोग वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल दो दैट डिफरेंस इज समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. वैल्यू एडेड आर दोज विच एड वैल्यू इन द आईज ऑफ द कस्टमर. एग्जाम्पल, वट एवर आई हैव टोल्ड यू ऑल इन क्लास, हम लोग तुमको कॉस्टिंग अराउंड 200 आवर्स के लिए पढ़ाते हैं. ओके, टोटल. नाउ If I try to think, yeah, 200 hours na, bahut zyada ho gaya, I'll cut it down to 100 hours, theek hai. My product quality falls at that time. Does it matter to you? Yes, it does matter to you. That is value added activity, okay. Value added activities ki wajah se hi customer pay kar raha hai. That thing is something that is of value to a user. Example, airport pe jaate ho, is cleaning cost for the airport, value added activity. Yes, it is a value added activity for me. I want airports to be clean. I am paying very high for it. Okay, value added activity. Is security a value added activity? Yes, it is. Okay, I want to feel safe. Okay, so therefore it is a value added activity. लेकिन अगर हम लोग security cost का audit करें, okay, वो लोग हमारे bags के ऊपर tags मारते हैं, is it a value added activity? I try to think, no. It is only wasting time of everybody. Why? एक बार मैंने security check pass कर लिया, एक बार मेरा bag वहाँ से pass हो गया, मतलब वो secure था, तो उसके ऊपर फिर ठप्पा मार के क्या हो जाएगा? That is non-value added activity. इसलिए अभी new airport rules के हिसाब से for international flights they are stopping the tagging of the bags because it is non-value added. Okay. Non-value added activities results in wastes, results in cost, but does not result in value. Okay. So हर एक कंपनी यूजुअली क्या करती है, वो लोग वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ के साथ ना ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ किया इट विल एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ दे ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट मोर, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप ज़्यादा होता है. सपोज एक मशीन सेटअप हो रहा है, ठीक है, एज अ कस्टमर तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि मशीन के लिए सेटअप टाइम कितना जाता है. फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, आईफोन जब भी बनता है उससे पहले सपोज मशीन्स को सेटअप करना पड़ता है, सेटअप के लिए 3 आवर्स चला जाता है, ठीक है. अभी अगर एप्पल कंपनी कुछ एक टेक्नोलॉजी यूज करके 3 आवर्स का 1 आवर कर ले, विल इट मैटर टू यू एट ऑल? सर, इट डज नॉट मैटर. अपने को क्या मालूम सर कि सेटअप के लिए कितना. दीज आर नॉन वैल्यू एडेड कंपनीज के लिए. नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के अंदर देर इज मोर स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन. ओके,
So, in a usual sense, we try to say activities like manufacturing are value added. Worker mera product bana raha hai. Okay, agar usne jaldi jaldi kaam khatam kiya, to I think quality will also fall. There is value added. Packing cost, value added. Setup cost, non-value added. Phir uske baad, raw material receive karna, non-value added. Customer ko kya farak padta hai sab cheezo se. Okay, so try to think what are value added, non. That, sometimes that difference is very less actually. ऐसा कोई चीज होगा ना जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज होगा आईसीए तुमको वो पूछेगा भी नहीं ओके बिकॉज देन द व्यूज विल स्टार्ट टू कम फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओके बट यूजुअली समथिंग दैट एड्स वैल्यू इन कस्टमर्स आईज विल बी वैल्यू एडेड समथिंग दैट डज नॉट एड दैट विल बी नॉन वैल्यू एडेड ओके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज देयर एनश्योर दैट यू गिव जस्टिस टू इज डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर भी काफी क्वेश्चंस हैं ensure that you do all those particular questions in a proper way, please. Okay, bye. I'll see you all in the next lecture. Bye.